देश में एक नए जिहाद की चर्चा है, फ्लड जिहाद। असम में फ्लड जिहाद शुरू होने का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप खुद असम के सीएम ने लगाया है। हेमंता ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालिक और कुलपति महबूब उल हक पर फ्लड जिहाद का आरोप लगाया। आखिर क्या है फ्लड जिहाद, आइए जानते हैं। असम में अब एक नए तरह का जिहाद शुरू होने का आरोप लगाया जा रहा है और यह है फ्लड जिहाद। जिहाद का यह नया शब्द किसी आम आदमी या संगठन ने नहीं बल्कि एक चीफ मिनिस्टर ने कहा है। वही हेमंत बिस्व शर्मा जो असम में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जो असम में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, जो असम में नया मुस्लिम मैरिज कानून बना चुके हैं, जो असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक का नियम समाप्त कर चुके हैं। अब उन्हीं हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया है कि असम के खिलाफ फ्लड जिहाद की साजिश रची गई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने पिछले महीने USTM यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालिक और कुलपति महबूब उल हक पर आरोप लगाया था और कहा था कि महबूब उल हक गुवाहाटी में बार जिहाद की साजिश के लिए जिम्मेदार हैं। 9 अगस्त को हेमंता ने सैटेलाइट तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि USTM ने अपने परिसर को समतल करने के लिए पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। इससे गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर जल भराव हुआ था। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फ्लड जिहाद की बात क्यों कही, तो उन्होंने बताया कि USTM कैंपस में जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ा गया वो गुवाहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड यानी कि कृत्रिम बाढ़ की वजह बना। हालांकि हेमंत के इस फ्लड जिहाद वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और एक जलसे में कहा कि असम में BJP हुकूमत में मुसलमानों को हर बार जलील किया जाता है। जब असम में बाढ़ आती है तो कहा जाता है जिहादी सैलाब आया है। सिंस 2005 असम इज कंसिस्टेंटली सेइंग दैट रैम्पेंट हिल कटिंग सराउंडिंग गुवाहाटी मोर पार्टिकुलरली इन द जोराबाट एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल फ्लड्स इन गुवाहाटी। जिस तरह असम में BJP की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। हेमंता ने जो सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं उसमें USTM कैंपस में पहाड़ों पर क्या बदलाव हुए हैं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि USTM कैंपस के चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां थी, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन कोई तोड़फोड़ नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में USTM कैंपस में एक तरफ पहाड़ियों की चोटियां गायब नजर आ रही हैं, यानी कि वहां पर पहाड़ काटकर मैदान बना दिया गया। इसीलिए सीएम हेमंत का आरोप है कि पहाड़ों पर हुई तोड़फोड़ की वजह से पहाड़ों के बरसाती नालों का रुख गुवाहाटी की तरफ हो गया और गुवाहाटी 2 दिनों तक पानी में डूबा रहा। उधर महबूब उल हक ने भी अपनी बात कही है। फ्लड जिहाद वाले बयान के बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या पिछले महीने असम में आई बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि एक मैन मेड साजिश थी। क्या गुवाहाटी को किसी साजिश ने डुबोया? क्या असम को डुबोने के लिए पहाड़ों के बरसाती नालों का रुख गुवाहाटी की तरफ मोड़ दिया गया? क्या गुवाहाटी की जनता 2 दिनों तक पानी में इसीलिए डूबी रही क्योंकि असम से सटे मेघालय में फ्लड जिहाद को अंजाम दिया गया? मेघालय सरकार ने हेमंता के इस संगीन आरोप की जांच करने का फैसला किया है। असम और मेघालय के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।